Good morning, dear parents and students. I am Deepak Paul, member of Sports Department, Sanskriti Group of School. In this video, I am going to cover few fun exercises with animal movements. Main activity ke first exercise body twist. Body twist ke liye position. Next. इन आउट जंप. नेक्स्ट एक्सरसाइज इन आउट जंप. जंप करना है, लेग्स ओपन करना है और लेग्स को क्लोज करना है. इन आउट जंप के लिए पोजीशन, दोनों हाथ कमर पर रखना है, दोनों पांव मिला हुआ है और आपको जंप करना है. नेक्स्ट लीफ जंप. लीफ जंप, जंप करना है, दोनों हाथ साइड में ओपन करना है और लेग्स को खोलना है और हवा में जंप के साथ साथ फॉरवर्ड एंड बैक. आपकी लेग्स का पोजीशन जो होगा आपकी सामने और पीछे होना चाहिए और दोनों हाथ साइड में होगा. नेक्स्ट हॉपिंग जंप. हॉपिंग जंप और इसका दूसरा नाम है लैंगरा मुर्गा. एक पाव में आपको स्टैंड होके दूसरा पाव नी फोल्ड करना है और नीज का नीचे दोनों हाथ का एक दूसरे का कलाई पकड़ के आपको लेग्स के ऊपर जंप करना है, फिर लेग चेंज करके दूसरे पाव में करना है. नेक्स्ट पपी डॉग वॉक. पपी डॉग वॉक, पपी डॉग वॉक के लिए पोजीशन, हाथ दोनों हाथ और दोनों पाव बिल्कुल सीधा और हाथ और पाव की मदद से आगे की तरफ आपने वॉक करना है, जंप करते हुए आगे मूव करना है. नेक्स्ट सील वॉक. सील वॉक, सील वॉक का पोजीशन पुशअप पोजीशन में आना है आप और एक एक हाथ को आगे शिफ्ट करते हुए आगे की तरफ आपने मूव करना है. नेक्स्ट क्रैब वॉक. क्रैब वॉक, क्रैब वॉक का पोजीशन दोनों हाथ का जो एल्बो एंड शोल्डर बिल्कुल टाइट, नीथ फोल्ड एंड आपका पूरी बॉडी स्टोमक एंड चेस्ट को लिफ्ट किया ऊपर और एक एक पाव और हाथ को शिफ्ट करना है और आगे की तरफ आपने मूव करना है. नेक्स्ट फ्रॉग जंप. फ्रॉग जंप, मेंढक की तरफ जंप करना है, जंप करना है, दोनों हाथ को आगे प्लेस करना है और लेग्स को क्लोज करना है और आगे की तरफ मूव करना है. नेक्स्ट एलिगेटर क्रॉल. एलिगेटर क्रॉल, पोजीशन एल्बो बैंड दोनों नी क्लोज और आपको आगे मूव शिफ्ट करना है और आगे मूव होना है. लास्ट स्नेक मूवमेंट. स्नेक मूवमेंट, सांप की तरफ चलना है, उसके लिए पोजीशन आपकी स्टमक के ऊपर इसे लाइन पोजीशन में आना है, दोनों हाथ साइड में बिल्कुल मिला हुआ और स्टमक के ऊपर आपको आगे की तरफ मूव करना है. आपका हेड थोड़ा ऊपर होगा और इस प्रकार आई होप एवरी स्टूडेंट एंजॉय द वीडियो. थैंक यू.